नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं X9 News। महाराष्ट्र में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के शुरुआती 10 मिनट में ही एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार चले गए। जब से ये हुआ है तब से सवालों के दौर शुरू हो गए हैं। पूर्णकालिक कैबिनेट बैठक में जहां एक ओर 48 उम्मीदवार फैसले के लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, लेकिन अजीत पवार अनुपस्थित थे। बैठक में वित्त विभाग से संबंधित मौलाना आजाद निगम की अंश पूंजी में बढ़ोतरी, मदरसों में शिक्षकों की अंश पूंजी में बढ़ोतरी, वाणी लाहौर नाथ पांथिया समुदाय के लिए नियम बनाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। ये सारे वित्त विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय थे, इसलिए अजीत पवार की गैर मौजूदगी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा ये भी है कि पिछले कुछ कैबिनेट की बैठकों में वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद भी विभिन्न संगठनों को जमीन आवंटित करने में समय पर फैसले नहीं लिए जाने से अजीत पवार बेहद नाराज हैं। हालांकि अजीत पवार के कार्यालय से जानकारी मिलती नजर आ रही है कि अजीत पवार रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां से जल्दी उठे थे। फिर अजीत पवार का ये भी कहना था कि वित्त मंत्री होने के नाते कैबिनेट के कई फैसलों पर उन्हें आने वाले समय में जवाब देना होगा। अब इस घटना को शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार का गुट और कांग्रेस के नेताओं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों के लिए चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। इसको लेकर सत्ताधारी गठबंधन महायुति और MVA के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सत्ता में वापस आने की है, वापसी करने की है, तो विरोधी दलों के नेता लगातार महाराष्ट्र सरकार की कमियों को सामने लाकर उसे जनता के बीच बेनकाब करने में लगे हुए हैं, ताकि महायुति का गठबंधन सत्ता से बेदखल हो जाए और बेदखल करना संभव हो जाए। देखा जाए तो जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में एक सियासी घमासान चल रहा है, इस सियासी घमासान के बीच कहीं ना कहीं अजीत पवार का यूं उठकर चले जाना, कहना ये कि अजीत पवार उठकर केवल इसीलिए गए क्योंकि उन्हें रतन टाटा को श्रद्धांजलि देनी थी, उनके श्रद्धांजलि को पुष्प अर्पित करने थे, उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करने थे, लेकिन परिस्थितियां आखिर क्या मानती है, सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, इस पर लगातार मुद्दे बनाए जा रहे हैं, राजनीति की जा रही है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए X9 News।